साथियों, कल देश में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को और विशेषकर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारियां मिल रही है उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। लेकिन मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, एनडीए की जीत आप पक्की कर रहे हैं, मैं सर झुकाकर आपका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन जो लोग मतदान नहीं कर रहे पहले चरण में, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होता है, आप किसी को भी वोट दें लेकिन वोट जरूर दें, हमें वोट में कभी भी उदासीनता नहीं करनी चाहिए। और ये बात सही है, गर्मी बहुत है, दिक्कतें भी हैं, शादियां भी हैं, कुछ इलाके हैं जहां किसान भी काम में हैं, फिर भी जब हम देश के जवान की तरफ देखते हैं, कोई भी मौसम हो, सीमा पर कितनी ही ठंड हो, बर्फ गिरती हो, कितना ही गर्मी हो, वो डटा रहता है। क्यों? देश के लिए। मैं मानता हूं मतदाताओं के मन में भी ये भाव होना चाहिए कि मैं मतदान किसी पर उपकार नहीं करता हूं, मैं मतदान करके मेरे देश का भविष्य पक्का करता हूं, मेरे देश के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए मतदान करता हूं। और इसलिए एनडीए के भव्य विजय की पहले चरण में साफ साफ आपका सहयोग के बावजूद भी लोकतंत्र के लिए मैं फिर आग्रह करूंगा कि भारी मतदान होना चाहिए। और मैं राजनीतिक क्षेत्र के सभी दल के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, भले आपको लगता हो आज कि भाई अब चुनाव हारने वाले क्यों मेहनत करें, मैं उनको भी कहता हूं लोकतंत्र के लिए मेहनत कीजिए, अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, अरे कभी तो मौका आएगा, ऐसे निराश हो गए क्या बैठ गए हो? और इसलिए जिनकी हार सुनिश्चित है उनके कार्यकर्ताओं को भी मैं हौसला बुलंद करते हुए कहना चाहता हूं कि आप मतदाताओं को जरूर मतदान करने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि दुनिया के लोगों को, दुनिया में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है, भारत में जब इतना सारा वोटिंग परसेंटेज होता है उसका विश्व में प्रभाव होता है, भारत की लोकतंत्र की ताकत का एक मजबूत उदाहरण बनता है। दुनिया को भी भारत को समझने के लिए अधिकतम वोटिंग बहुत जरूरी होता है, और आने वाले 25 साल तो विश्व में भारत के महात्मय के वर्ष है, और इसलिए अधिक मतदान हमारी लोकतांत्रिक ताकत का परिचय देता है।